बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम लवली पीपल, रीक्लेम द लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर हर प्रोग्राम में किसी ग्रोइंग हीरो या फिर लेजेंड को लेकर आते हैं, आज जिस मेहमान को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है वो एक बहुत मशहूर होस्ट, एंकर और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है रिजवान जाफ़र। अस्सलामुअलैकुम रिजवान जाफ़र जी। वालेकुम सलाम अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यूथ पार्लियामेंट के हेड ऑफिस तशरीफ़ लाए। जी रिजवान जाफ़र, बहुत बहुत शुक्रिया आपने यूथ पार्लियामेंट के हेड ऑफिस में हमें अपने इंटरव्यू के लिए आज मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू ले सकें। रिजवान, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका मुकम्मल नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद रिजवान जाफ़र ख़ान है। मोहम्मद रिजवान जाफ़र ख़ान जी। अच्छा, आप यूसुफ़ ज़ई हैं? जी। ग्रेट ग्रेट, लेकिन ख़ान ये है कि मैं मेरे इंटर तक की मार्कशीट तक में तो ख़ान है। अच्छा, इंटर के सर्टिफिकेट तक, लेकिन उसके बाद फिर मैंने माइनस कर दिया था। अच्छा। तो क्योंकि बहुत लंबा नाम हो रहा था तो देन मोहम्मद रिजवान जाफ़र, देन मीडिया में सिर्फ रिजवान जाफ़र। अच्छा। या लोग रिजवान जाफ़र या आरजे के नाम से जानते। अच्छा, शादी आपकी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ सिर्फ रिजवान तो नहीं रह गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है जी। अच्छा ठीक है। अच्छा रिजवान, आप मुझे ये बताएंगे कि आप ये जो सोशल वर्क की फील्ड है इसमें कितने अरसे से है? ये हमने ये मैं अपना बताऊं कि स्कूल के ज़माने से हम चीज़ें शुरू होती हैं। तो स्कूल में बड़ा ज़बरदस्त हमारा स्कूल था शाहिन कैम्ब्रिज स्कूल, तो उसमें सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि डिबेटर थे हम, तो स्पीच करना या कंपेयरिंग का शौक़ था, तो कंपेयरिंग करना ये सब स्कूल से शुरू हुआ। और इंटर में ही था तो जब मैंने एक मैं स्काउटिंग में भी था अपनी स्कूल के ज़माने से, तो जब मैं मैट्रिक में था तो हाईएस्ट अवार्ड इन स्काउटिंग सदारती गोल्ड मेडल मुझे मिला। आई परफॉर्म हज विद माय मदर ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने पाकिस्तान को जापान में रिप्रेजेंट किया। तो ये सब चीज़ें आपकी उसी ज़माने में मेरी शुरू हो गई थी। तो जब कॉलेज में थे तो डिबेटर थे ऑल कराची लेवल पे, इंटर बोर्ड का भी मैंने जीता डिबेट कॉन्टेस्ट, सिंध लेवल पर भी, नेशनल लेवल पे, पूरे ऑल पाकिस्तान भी मैंने स्पीच कॉन्टेस्ट जीता। सीरतुल नबी पे होता था एक कंपटीशन नेशनल लेवल का, वो मैंने जीता। तो डिबेट की ऑर्गेनाइजेशंस थी मुख्तलिफ, हमने वो बनाई डिबेटर्स की तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए। फिर मैं यंग राइटर भी था, बिल्कुल, तो लिखता था। तो हम जब दावा अकेडमी इस्लामाबाद में जाते थे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर उनके तहत एक था पाकिस्तान यंग राइटर्स फोरम, ठीक है, तो वो फिर मैंने ज्वाइन किया और फिर मैं उसका सिंध का प्रेसिडेंट बना, ठीक है। तो ये बड़ा अर्ली एजेस के अंदर हो गया था। फिर हमने कराची के डिबेटर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ठीक है, और उसके तहत हमने जेलों में प्रोग्राम किए, जुवेनाइल जेल में 14 अगस्त के मौके पर। फिर हमने फंड्स जमा करके जेलों में खाने का और मुख्तलिफ चीज़ों का एहतमाम किया। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहीं और यही ये बैकग्राउंड था जिसकी वजह से यूथ पार्लियामेंट जो है मैं बनाने में मुझे मदद मिली, कामयाब हुए इसमें। अच्छा रिजवान, आपने कहा कि आपको सदारती अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये कौन सा ईरा था? जनरल ज़िया? नहीं नहीं नहीं, ये सर इतना पुराना ना समझे मुझे। अच्छा। आप फारूक लगारी साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो वो कराची तक ही महदूद थी? वो कराची तक महदूद थी, कराची के जो डिबेटर्स थे या कराची के सोशल वर्कर्स थे वो सब जमा हुए थे एक साथ, तो उनके साथ मिलकर हमने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। मैं था उसमें, जुनेद इकबाल जो बड़े अच्छे वो हम वो थे, अहमदुद्दीन सिद्दीकी, इसी तरह इस्लामाबाद में इस वक्त होते हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब, तो हम लोग काफ़ी, गज़ाला हबीब खान साहिबा जो कि अमेरिका में इस वक्त होती हैं, फ्रंट ऑफ कश्मीर जो देख रहे हैं, तो हम सब लोग जो हैं पूरा थिंक टैंक था, दोस्त थे तकरीबन एक एज ग्रुप के थे। हाँ, तो वो ज़्यादातर तो डिबेट बैकग्राउंड के लोग थे, लेकिन जब वो एक साथ जमा हुए तो कुछ और लोग भी आ गए, कुछ थिंकर्स भी आ गए। तो कराची के लिए हमने एक, मुझे याद है उन दिनों अमन अमान का बड़ा मसला था, तो हमने FTC ऑडिटोरियम में एक पीस कन्वेंशन किया। फिर हमने इस तरह बहुत सारे इवेंट्स एक्टिविटीज़ की, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी क्योंकि बहुत सारे लीडर एक साथ नहीं रह सकते, आपको पता है। तो वो दो बीवियों वाली मिसाल होती है, एक घर में नहीं रह सकती। तो फिर वो ख़त्म हो गई, एक वक्त आया तो, लेकिन वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा, मीडिया पर जब आप आए हैं सामने, मतलब जो एक स्टार के शक्ल में जब सामने आप आए, तो वो मेरे ख्याल से आपने इंडस विजन, कैफे विजन जो मेरा शो था, लड़के लड़कियाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं डिबेट कर रहे हैं,
लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं एक बच्चों का प्रोग्राम करता था, उससे पहले मैं मीडिया में जो कि शायद कम देखा गया या कम नोटिस हुआ, ARY डिजिटल पर एक साल मैंने किया बच्चों का एक प्रोग्राम UHU फंडे के नाम से, या स्कूल फंडे के नाम से। स्कूल में हम जाते थे, बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते थे, मेरे ख्याल से 1 आवर का एक प्रोग्राम होता था। ये उस जमाने में 25 मिनट के प्रोग्राम होते थे, तो उसमें 4-5 सेगमेंट होते थे। सिंगर ले गए, उसने बच्चों का गाना गा लिया, कोई बच्चों का स्पीच कॉन्टेस्ट हो गया, कोई फैशन शो हो गया, इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटी। तो वो एक साल तक हमने किया। तो स्कूल्स में हर एवरी वीक एक नए स्कूल में जाते थे कराची के, तो वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा उसकी 50 एपिसोड्स की, लेकिन एक साल तक किया। सो दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय UHU, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय UHU। ओके, और मैं ही लेकर आया था वो स्पॉन्सर, क्योंकि हमें टीवी पे आने का शौक था। तो हमने ये रास्ता बनाया कि यार इस तरह शायद हम खुद स्पॉन्सर ला के टीवी पे आ सकते हैं, क्योंकि हम सब डिबेटर्स जितने भी थे हम PTV के बाहर खड़े होते थे चांस की तलाश के अंदर, तो किसी को कोई चांस नहीं मिलता था। और इन सब लोगों में सबसे पहले टीवी पे मैं आया, ठीक है, यानी चाहे वो कोई भी जितने भी आप कराची के डिबेटर्स ले लें, इवन आमिर लियाकत, किसी की भी बात कर लें, इन सबसे पहले टीवी पे मैं आया। और बहुत छोटे छोटी एज में आया, इन सबसे छोटा भी था मैं एज में 2000 में। तो जब जियो आया 2002 में, फिर 2003 पे मैंने इंडस विजन पे कैफे विजन जो है वो स्टार्ट किया। और बहुत, वो तो बहुत ज़्यादा हिट प्रोग्राम, वो 5 साल चला नौजवानों का प्रोग्राम, लड़के लड़कियां बैठे हैं उसी में। हमने फिर 2005 में यूथ पार्लियामेंट बनाई उसी शो के अंदर, कैफे विजन है। अच्छा, उस वक्त मैं भी जवान था तो मैं देखता था वो। सर बड़ी, आप अभी भी जवान हैं, क्या बात है। अच्छा रिजवान, आप कम्युनिटी के लिए बहुत आपने काम किए हैं, देखता रहता हूँ मैं। कोई ऐसा काम जिसे आप समझते हो कि ये मेरी जो अचीवमेंट है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है और मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ? बात यह है कि ज़िंदगी का, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है कि जिसको वो अचीव करने के लिए काम करता है। बहुत से मकसद जो हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं कि जनाब मैं अमीर बन जाऊं, या मेरे पास गाड़ी आ जाए, या मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, तो इस तरह की भी लोग हो सकता है मकसद रखते हों। लेकिन कुछ मैं समझता हूं कि वो मकसद मकसद नहीं होता ज़िंदगी का। हो सकता है वो बंदा बन भी जाए तो उसके बाद क्या करेगा फिर। बिल्कुल ठीक है, मकसद तो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए बहुत। तो उसमें सबसे बड़ा मकसद वो होता है कि जब कोई काम आप ऐसा करें जिसके बेनिफिशरी आप ना हो, दूसरे हों, जिसके हमें आउटकम्स नज़र आए, जिसके बेनिफिशरी जो है, क्योंकि इंसान जो काम करता है या जो मेहनत करता है, जो टाइम देता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो ये सोच के करता है कि वो उसका बेनिफिशरी होगा, वो इन द एंड उसको उसका फ़ायदा होगा। तो आप अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करें जिसे हम कहते हैं नोबल कॉज, एक लफ्ज़ अगर मैं कहूँ तो आपका अगर कोई ऐसा नोबल कॉज है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि मेरी जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, या मेरे पैसे की इन्वेस्टमेंट है, या मेरी सलाहियतों की इन्वेस्टमेंट है, ये सब ऐसी हो कि जिसका बेनिफिशियरी मैं ना हूँ कोई और हूँ, तो दैट इज़ द यूथ पार्लियामेंट। एग्जैक्टली, कि यूथ पार्लियामेंट में 10,000 आज तक मेंबर आए, लड़के लड़कियाँ मेंबर बने, तो वो उसके बेनिफिशियरी हैं। Exactly. यानी अगर मेरी मेहनत है और उसकी वजह से मेरे अलावा, चले मुझे मुझे हो सकता है मेरी भी इसमें बेनिफिशरी, मैं भी बेनिफिशरी हूँ इसका, कि मुझे भी इसकी वजह से बड़ी इज्जत मिली, नाम मिला, आज मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है यूथ पार्लियामेंट। लेकिन मेरे साथ साथ इसके 10,000 लोग और बेनिफिशरी हैं। Exactly. कि जिनको कॉन्फिडेंस मिला इस ऑर्गेनाइजेशन से, एक पहचान मिली, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जो आगे इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, या कहीं भी लीडरशिप में जाएंगे, तो यूथ पार्लियामेंट को याद रखेंगे। आप यूथ पार्लियामेंट के लिए वो एक शेयर है ना जो अभी आपने ये बात कही कि बेनिफिशरी आपका कौन है, वो अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, तो आप इस वक्त औरों के काम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो ये पार्लियामेंट बनाई, तो क्या इस पार्लियामेंट में बाकायदा उसी तरीके से जो हमारे यहाँ दुनिया में जो पार्लियामेंट चल रही हैं, जैसे सेनेट है, कौमी असम्बली है, इस तरीके से आपकी पार्लियामेंट भी कुछ इस तरह का ही उसका सेटअप है? सर हम क्योंकि अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो बहुत चैलेंजिंग है चीज़ें जो है ना करना, इतना आसान नहीं है टास्क अचीव करना। ऑब्जेक्टिव तो कुछ ऐसा ही था और अभी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसमें हम 100% कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसके रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं, और काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हर साल हमारे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे, तो नौजवानों को एक इलेक्शन का जो अगर वो पार्लियामेंट में जाना है, उन्हें इलेक्शन लड़ना है, तो उसका तो एक पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल। कि किस तरह लॉबिंग करनी है, किस तरह से वोट, हाँ बिल्कुल, क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें। फिर वो डिबेट का उन्हें मौका मिलता है कि वो अपना मंशूर पेश करते हैं, मंशूर बनाने का उन्हें मौका मिलता है, फिर उन्हें जो है वो वोट लेना और फिर उसमें जीतना हारना, फिर उसके बाद उनका काम करना जब वो सीट पर आ जाएँ, फिर पूरे साल उन्होंने किस तरह एक्टिविटी करनी है, फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती हैं, वो उसी तरह काम करती हैं। तो काफ़ी हद तक मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% वो चीज़ अचीव की जो हम चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने कम से कम 50-60% चीज़ें अचीव की हैं। और उसमें ये सीखने वाले पर भी होता है
जो कि वो कितना विलिंग है या वो किस कॉन्सेप्ट को कितना आगे ले जाता है। जितनी चीज़ें हम डिलीवर कर सकते हैं हम करते हैं नौजवानों के लिए, बाकी नौजवान आगे इन चीज़ों को लेके जाते हैं। बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह वो कहा जाता है ना कि हम तो कश्ती ले आए, अब आपने इसको आगे लेकर जाना है ना, आपने बचाना है कश्ती को। तो रिजवान कश्ती आपके लिए ले आए हैं, अब आपने इसके चप्पू बनकर इसको चलाना है। यूथ पार्लियामेंट एक बड़ा ही एक मतलब डिफरेंट सा, एक यूनिक सा एक आइडिया है। मतलब किसी दूसरे मुल्क में मुझे इस तरह की चीज़ वैसे नज़र नहीं आती जैसे ये यूथ पार्लियामेंट हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। आप इसको कितना टाइम दे देते हैं? मैं इसको बहुत टाइम देता हूँ, बल्कि मेरा दो दिन शो आता है टीवी पे, आज न्यूज़ पे जो मेरा शो आता है सवाल है पाकिस्तान का, तो मैं दो दिन ही इसी मीडिया को देता हूँ जो मेरा प्रोफेशन है, बाकी सारा टाइम मेरा यूथ पार्लियामेंट को होता है। और उन दो दिन में भी अक्सर अगर रात में शो है तो दिन में शायद यूथ पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा, आपने जो कहा ना दुनिया में जो यूथ पार्लियामेंट नहीं नज़र आती, या पाकिस्तान में भी नज़र, हमारी कॉपी करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, मिलते जुलते नामों से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए कामयाब नहीं हो सके वर्ल्ड ओवर, क्योंकि मैं इस तरह के कामों के लिए ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फाइनेंस है। ठीक है, और वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप इन चीज़ों के लिए फाइनेंस क्रिएट कर सकें और चीज़ें ला सकें। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है यूथ के हवाले से पूरी दुनिया में, वो 1 ईयर का या 2 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर्स का है, किससे ज़्यादा लोगों को रखना नहीं है नौजवानों को, और फिर अब आपने न्यू फ्रेश ब्लड ले लेना है ट्रेनिंग के लिए। तो फिर ये सस्टेन करना, ये सस्टेनेबल, इसको सस्टेनेबल तरीके से चलाना, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप हर साल एक एक्सरसाइज कर रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो ये इसलिए ये मॉडल बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है बहुत सारे मुल्कों में स्टार्ट होके ख़त्म हो गया। ये भी आपको बताऊं, जो हमने सर्वे किया है बहुत सारे मुल्कों में स्टार्ट हुआ और नहीं हो पा गए कंटिन्यू। पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने हमारी कॉपी में, क्योंकि हमने ये नाम दिया कॉन्सेप्ट दिया, जिन लोगों ने शुरू किया वो इसीलिए ख़त्म उन्होंने कर दिया कि वो भी ये सस्टेन नहीं कर सके कि हर साल इस मॉडल पर जाएँ, पूरी एक्सरसाइज करें, और फिर हर शख्स इन देंड सोचता है कि यार मैं इतनी मेहनत करूँगा मुझे पैसे क्या मिलेंगे, फाइनेंस क्या मिलेगा, या मैं इतनी मेहनत कहीं और कर लूँ, मैं एक फैक्ट्री लगा लूँ तो शायद ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। तो इसलिए ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसमें मेरे और अगर हमारे पास सस्टेनेबल है तो इसलिए क्योंकि हम कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, ये बता दो आपको। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये गुजारिश होगी कि जो जवान यहाँ पर इस वक्त कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। जैसे सबसे बड़ा मसला फाइनेंस का ही होता है, हम देखते हैं गवर्नमेंट में भी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो फाइनेंस के ही होते हैं। तो जो काम हो रहा है कम से कम उसके लिए तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, कम से कम उसके लिए तो फंड प्रोवाइड किया जाए। आपने कभी किसी फंड के लिए या किसी ग्रांट के लिए अप्लाई किया? हमने किए हैं अप्लाई, लेकिन उसमें ये होता है कि हमें जो फंड मिले भी हैं 15 साल में, लेकिन वो इवेंट बेस्ड होते हैं, वो खातिर खा भी नहीं होते, लेकिन वो इवेंट बेस्ड होते हैं। यानी आपने कोई कॉन्फ्रेंस करवाई, उसका आपको फंड मिल गया, वो कॉन्फ्रेंस हो गई, चले तस्वीरें खिंच गई, CM आ गया या गवर्नर आ गया या मिनिस्टर्स आ गए, अच्छा हो गया, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल के फाइनेंशियल में हेल्पफुल साबित नहीं हुआ। वो आपका एक बस ब्रांड मेकिंग के लिए हो गया, या चलो नौजवानों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उनके पास एक एक्टिविटी अच्छी आ गई। इस लिहाज से तो हमें फंड्स मिले हैं आज तक, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हों, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के हों, वो हमें मिले हैं, लेकिन वो इवेंट बेस्ड। ठीक, कम से कम ऐसा हो कि रिजवान जाफर को देखते हुए जो दूसरी हमारे जो दूसरी यूथ के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके लिए भी कुछ इस किस्म की काम किए जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे वो NGOs करें। अच्छा रिजवान, ये तो सारी हमारी वो बातें थी जो प्रोफेशनल उसको टच कर रही होती हैं, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो, क्योंकि आप 24-48 घंटे हमें यूथ पार्लियामेंट टीवी, यूथ पार्लियामेंट टीवी देख रहे होते हैं, तो पर्सनल लाइफ को आप कितना टाइम दे देते हैं? देखें, जो लोग मसरूफ़ होते हैं, या इसको बात को हम यहाँ से लेते हैं कि जो लोग मसरूफ़ होते हैं वो मेरे ख्याल से हर काम कर लेते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो शायद वो भी नहीं करते। और दूसरा ये होता है कि आप फैमिली हो या कोई भी हो, वो आप क्वालिटी टाइम दें तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि आप पूरे दिन भी हैं लेकिन आप फिर भी टाइम नहीं दे रहे फैमिली को, लेकिन आप थोड़े टाइम है लेकिन आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा रिजवान, आप खाना तो आपको देख कर लगता नहीं है कि आप खाना आपको लगता होगा, खाने का शौक़ है? अच्छा खाने का, ज़्यादा खाने का? ज़्यादा खाने का तो शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा मुझे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, कोई तकरीबन 40 मुल्कों में जाने का इत्तफाक रहा,
तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने दुनिया भर का मुख्तलिफ तरह का फ़ूड खाया अच्छा। और बहुत इन्जॉय किया, जैसे मिसाल के तौर पर ताइवान का फूड है मैंने बहुत इन्जॉय किया अच्छा। या मैंने वो तो बड़े मुश्किल नाम होते होंगे, हाँ बहुत बहुत मज़ेदार सी फूड, हम तो सी फूड ही खा सकते हैं वहाँ का, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। या साउथ कोरिया में या जापान का फूड जो डिफरेंट होता है बड़ा, या इसी तरह इंडोनेशिया में उनके अपने ट्रेडिशनल फूड होते हैं, या इसी तरह से आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएँ तो उनके अलग हैं, इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में, अमेरिका की खास बात यह है कि अमेरिका में पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स हैं, या यूरोप में ही पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप अमेरिका में बैठ के हर तरह का, यानी आप अमेरिका में बैठ के लेबनीज़ फूड भी खा सकते हैं, आप तुर्किश फूड भी खा सकते हैं, हर तरह का फूड खा सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया के आपने मतलब ज़्यादा इन्जॉय किया है, साउथ वेस्ट एशिया में कोई मतलब अफगानिस्तान या ईरान या इस तरह के कोई डिशेज वगैरह? नहीं, इस तरह मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन मैं इधर गया हूँ अपना, हमारे जो साउथ एशिया जो है, चाहे जैसे बांग्लादेश में 3 दफ़ा गया हूँ, इसी तरह नेपाल या भूटान, तो श्रीलंका, तो इनका फूड भी अच्छा है नो डाउट। अच्छा, आप पका लेते हैं खाना? नहीं, मैं बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी कभी कोई मजबूरी हो जाए, हालांकि हमारी स्काउटिंग में तो हमने अपने स्काउटिंग टाइम में जब कैंपिंग करते थे हम पकाते थे खाना, और वो हिस्सा होता है स्काउटिंग में फूड जो है बनाना, बल्कि हम तो बगैर बर्तनों के खाना ही बना लेते थे। अच्छा, तो उसका क्या मतलब, ख्याली पुलाव होता है? नहीं, वो एक तरीका होता है स्काउटिंग के अंदर जिसमें अच्छा। पूरा ट्रेनिंग होती है अच्छा। तो आप वो कर सकते हैं तो, लेकिन ये कि फिर वो आप जब बिजी हो जाते हैं लाइफ के अंदर तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी भी ये होता है कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेता हूँ, एग बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ। अंडा कैसा उबालते हैं? अंडा मैं अपना हाफ फ्राई भी, फुल फ्राई भी, बॉइल्ड भी। बॉइल्ड कैसा मतलब, अच्छा उबल जाता है? सही उबल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छिलका उतर जाता जी, है आराम से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वरना ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है अंडा उबालने में कि उसका छिलका जो है वो या तो बिल्कुल ही वो बॉयल हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो अंडे से उतरता नहीं है, और या फिर ऐसा हो जाता है कि उसके साथ अंडा उतर रहा होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो अंडा बनाना। अच्छा, आपको जो फेवरेट आपकी डिश है पाकिस्तानी डिशेज में वो कौन सी? पाकिस्तानी डिशेज में सर सब कुछ ही खा लेते हैं, चाहे वो हलीम हो अच्छा। या बिरयानी हो या कोरमा हो, तो हलीम और बिरयानी जरूरी, कोरमा हो अच्छा। सब कुछ चलता है बिल्कुल अच्छा। और इसके अलावा आप टीवी पे ड्रामे वगैरह देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं ड्रामे बिल्कुल, अभी मुझे कोई एक साल पहले एक ड्रामा मैंने देखा तो मुझे शौक, मैं ड्रामे नहीं देखता था फ्रेंकली बताऊँ अच्छा। मतलब वो पुराने देखे थे कभी, तन्हाइयां वनाइयां जो बचपन में देखे थे, फिर मैं ड्रामा मैं बहुत टाइम वेस्ट समझता था ड्रामे अच्छा। मैंने कहा यार क्या टाइम ज़ाया करने वाली बात है, मैंने कभी ड्रामे नहीं देखता था, लेकिन अभी कुछ तकरीबन 8-9 महीने पहले मैंने एक ड्रामा देखा, वो भी इत्तफाक से बस देखना, तो अब ड्रामे अच्छे भी बन रहे हैं आप अच्छा। तो बस फिर उस वक्त से मैंने देखने शुरू कर दी, अब मैं मुस्तकिल एक साल से ड्रामे देख रहा हूँ अच्छा हाँ। वैसे कौन से चैनल पर ज़्यादा? ARY और जियो, ये दो के बेहतरीन ड्रामे होते हैं, उन्हीं के देख रहा हूँ अच्छा। कुछ वो क्रिटिकल आई से देखते हैं उसको? मैं क्रिटिकल आई से भी देखता हूँ, लेकिन मैं इसको इस लिहाज से भी देखता हूँ कि जैसे हम अफसाने पढ़ते थे तो उसी तरह से जो है ना फिर इसको देख रहे, बिल्कुल वो स्टोरीज हैं मुख्तलिफ जो आती हैं। तो कौन सा आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है आजकल, कौन सा चल रहा है फेवरेट? आजकल तो ऐसा कोई फेवरेट तो नहीं, बस मैं जो भी होते हैं सब देख रहा होता हूँ, कोई एक आध नज़र में ऐसा। अभी मेरे पास तुम वो आया, बहुत अच्छा ड्रामा था अच्छा। बिल्कुल अच्छा ड्रामा था, पूरी दुनिया में देखा गया, आयजा खान और हुमायूं सईद, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ड्रामा। अच्छा, फेवरेट एक्टर आपका पाकिस्तानी फिल्म में या फिर ड्रामा में? अभी इंतकाल हुआ है आबिद अली साहब का, मेरे बड़े फेवरेट एक्टर थे, फर्स्ट वर्सी भी है अच्छा अच्छा, वो बड़े बड़े मुझे बहुत पसंद थे। इसी तरह तौकीर नासिर साहब भी मुझे बड़े पसंद है, उनसे मेरी अच्छी मुलाकात भी है अच्छा। हमारे प्रोग्राम में भी आए थे यूथ पार्लियामेंट के अच्छा। कराची जब आए थे तो सारे आइकॉन और बिल्कुल, और इसके अलावा भी बड़े पाकिस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। और फीमेल एक्ट्रेस जो है? फीमेल में सबा कमर साहिबा बड़ा ज़बरदस्त अच्छा, ये जो भी सॉरी सबा परवेज़ साहिबा, सबा परवेज़ जो है वो, हाँ सबा हमीद जी बिल्कुल, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं किसी भी रोल के अंदर। इसी तरह बहुत सारी फीमेल मूवीज़ में आपको कौन पसंद है, कोई याद है मूवी में आप? पाकिस्तानी मूवीज़ में, पाकिस्तानी मूवीज़ अब बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई हैं, अब जैसे परवाज़ एक जुनून जो आई, अभी जो जो भी बहुत अच्छी मूवीज़ आई हैं नो डाउट, तो अभी अभी स्टारडम तो नहीं बना, एक हुमायूं सईद किसी हद तक स्टारडम उनके अंदर है, पुराने कोई ऐसे नहीं, पुराने में, पुराने में बिल्कुल, जैसे नदीम साहब की क्या फिल्में होती थी, या वहीद मुराद साहब की, मोहम्मद अली, या हमारे ऑल टाइम जो स्टार हैं फेवरेट वो जावेद शेख साहब हैं जो बिल्कुल हर दौर के अंदर जो है वो सुपर स्टार रहे अभी भी हैं बिल्कुल। एक्ट्रेसेस में शबनम साहिबा जो हैं वो, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि शबनम साहिबा के साथ मैंने ट्रैवल भी किया, तो जब वो
कराची से ढाका जा रही थी, इतफाक से उसी फ्लाइट में मैं भी था, मैं भी जा रहा था, तो एयरपोर्ट में उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी गपशप हुई, तो बड़ा अच्छा सफ़र भी रहा उनके साथ जी। हाँ, बड़ा वो उनका तो एक अंदाज जी बात करने का, वो बहुत ही मोहब्बत वाला अंदाज। अच्छा, सिंगर्स आप पाकिस्तानी सिंगर्स जो हैं वो अभी ऑफकोर्स आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली ख़ान, ये सब लोग बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। फीमेल में, फीमेल में तो हदीका कियानी बहुत अच्छा गाती हैं। फीमेल में तो अभी ऐसा कोई नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा करंट के अंदर। अच्छा, माजी में तो खैर बहुत नाम बैग वगैरह थे, और ये बस सर यही नाम है। अच्छा, पुराना कोई नहीं है? पुराना ऐसा कोई फीमेल का मेरे जहन में आ नहीं रहा, मुन्नी बेगम वगैरह। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, अंदाज़ा ये होता है कि वाकई शायद जो रिजवान जाफ़र है ना, इनको टाइम नहीं मिलता कि जहन में उनके सिंगर का नाम इसी वजह से नहीं आ रहा कि आपका माइंड जो है वो जब आप प्री ऑक्यूपाइड होते हैं तो ये चीज़ें आपको उस वक्त मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं कर रही होती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट थोड़ी बहुत जो है वो होती रहनी चाहिए लाइफ में, मज़ा रहता है। अच्छा, आपका जो यूथ पार्लियामेंट का जो ये ऑफिस है, ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ऑफिस देखा मैंने, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी? जी जी बिल्कुल। इससे पहले हमारा ऑफिस शारे फैसल पे था और वो भी बड़ा ज़बरदस्त ऑफिस था, तो अब हम यहाँ आरजे मॉल में आए हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटी है कि ऑफिस के अलावा कोई 10 ऑडिटोरियम्स हमारे पास हैं, जिसमें से 200 लोगों का भी है, 100 लोगों का भी है, 50 लोगों का भी है, तो ये एक बड़ी। तो ये मॉल रिजवान आपने बनवाया था? नहीं, लोग समझते हैं आरजे की वजह से कि शायद ये रिजवान जाफर मॉल है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंट है, तो इत्तफाकन हो गया है। तो इसका फोर्थ फ्लोर जो है ये हमारे पास है, और इस फोर्थ फ्लोर के ऊपर जो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बल्कि मैं आपके तमाम, क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज़्यादा आपकी पेनिट्रेशन है एनजीओ सेक्टर के अंदर, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ऑडिटोरियम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 5-स्टार लेवल के यहाँ पे ऑडिटोरियम्स हैं, किसी किस्म का फुल एसी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप लोग आएँ यहाँ पे और अपनी एक्टिविटी कीजिए। नहीं, इंशाल्लाह रिजवान, ये बहुत प्यारी, बहुत अच्छी मुलाकात रही आपसे आज की मेरी, और इंशाल्लाह ताला ये जो आपने अभी ऑडिटोरियम की बात की और बाकी आपके ऑफिस की, तो यकीनन वैसे भी हम जो स्टूडेंट्स के जो एक्सकर्जन वगैरह होते हैं उसके लिए भी हम उनको वो ज़रूर आरजे मॉल का ज़रूर करवाएंगे, रिजवान जाफ़र मॉल का। ठीक है, इंशाल्लाह ताला एक दिन होगा कि रिजवान जाफ़र मॉल भी आपका हो जाएगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो रिजवान, थैंक यू सो मच, बहुत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ना कीमती वक्त दिया। बिल्कुल नहीं सर, आपने जो सवालात किए उससे यह होता है कि आपको खुद भी सोचने का मौका मिलता है, तो बहुत सारी बातें आप दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए कह रहे होते हैं, अपने आप, अपने कमिटमेंट अपने आप से दोहरा रहे होते हैं कि यार मुझे ये काम करने हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने यकीनन एंजॉय किया होगा रिजवान जाफ़र की बातों को, और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें रिजवान ने की। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और लेजेंड या ग्रोइंग हीरो से हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आपको आज का इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको लाइक करें, और अगर आप इसको शेयर कर लेंगे तो जो लोग रिजवान जाफ़र को नहीं जानते वो भी रिजवान जाफ़र से मिल लेंगे, और अगर इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मज़ीद और अच्छी बात हो जाएगी, ताकि जिन लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं वो भी उनकी रसाई भी इस तक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लवली पीपल, रिक्लेम द लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के साथ इंशाल्लाह अगली बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।